इस सभा के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र संजू राय, उतना ही पुराना मित्र गोविंद आचार्य मंच में आसीन इस प्रदेश के प्रसिद्ध नेतागण और उपस्थित यहाँ झारखंड के आदरणीय नागरिकों, भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ कोई नजायज काम हो या किसी को पैसा मिले और जिसको जो मिलना नहीं चाहिए वो पैसे के आधार पर मिल जाए, इतना ही सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार एक हमारी भारत माता की शरीर में एक बीमारी है और इस बीमारी बहुआयाम है। हमारे देश के पैसे इतनी बड़े पैमाने में मात्र में विदेशों के बैंकों में जमी है। 70 लाख करोड़ रुपए कम से कम विदेशों में है और इसको हम वापस लाएंगे तो आपको 15 साल के लिए टैक्स नहीं भरना होगा, इतना पैसा है ये, और लाया जा सकता है। आज जो सरकार में है वो नहीं ला सकते क्योंकि उन्हीं का पैसा जमा हुआ है वहां, तो इसीलिए कुछ परिवर्तन आने पड़ेगी। लोगों ने दिखाया है ये मंशा कि परिवर्तन के लिए तैयार है। अभी जिक्र हुआ था, राणा जी ने जिक्र किया था कि तमिलनाडु इलेक्शन में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक मतदान क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात तो सही है, इतना तो मैं जानता हूं कि एक एक वोट के लिए 6000 रुपया दिया गया और लोगों ने डीएमके से ये 6000 रुपया लिया और खिलाफ वोट दे करके डीएमके को हरा दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है, कांग्रेस का हाल, इतनी प्रचार हुई, नए युवराज आए हैं, नया जमाना आने वाला है, झोपड़ी में बैठ के वो रोटी खाए, तो ये सब करने के बाद भी उनको 25 सीट से ज्यादा नहीं मिली और जो जीते उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में राहुल गांधी नहीं आए इसीलिए हम जीते। मणिपुर के तो मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया कि धन्यवाद राहुल गांधी, आप मणिपुर नहीं आए क्योंकि हम जीत गए। तो लोगों का मंशा दिखता है, उनको फांसी देने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, कब, 1999 में, 12 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक नहीं दिया, तो इसके पीछे यही है। जब सबको पता है कि पाकिस्तान या कश्मीर में जिस हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है वहां कैंप्स हैं जहां ट्रेनिंग होती है, वो वहां से यहां आकर के हमारे देश में विस्फोट करते हैं, तो उन कैंप्स को जाकर हमारी एयरफोर्स को भेजकर, वायुसेना को भेजकर बॉम्ब क्यों नहीं करते हमारे नेता? मैं कहता हूं कैसे कर सकते हैं, उनका बैंक का अकाउंट छप जाएगा अखबारों में तो मर जाएंगे। मैं आप खुलेआम कहने चाहता हूं कि आज जो प्रमुख नेता हैं सरकार में ये पाकिस्तान से ब्लैकमेल होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए डरते हैं। और इसी प्रकार से जो पैसे हमारे देश में रहती है ये इसको तो इसमें तो इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकते, तो वो विलासी वस्तुओं पर खर्च करते हैं। इसीलिए हमारे देश में जमीन का दाम इतने बढ़ते जाते हैं और विलासी वस्तुओं के उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रही है और जो पूंजी करते हैं वो भी कहते हैं कि क्यों हम आम जनता के सामान को का उत्पादन करें,
जब हमें हम यदि कपड़ा पैदा करें या जूता पैदा तैयार करें, इसमें हमें 5% 6% ही मुनाफा मिलेगी, लेकिन हम बड़ी विलासी वस्तुओं को बनाएंगे, एयर कंडीशनर बनाएंगे, ऐसी चीजों को बनाएंगे। मैं नहीं कहता हूं एयर कंडीशनर बुरा है, लेकिन सिर्फ एयर कंडीशनर बनना चाहिए और आम जनता की सामान नहीं बननी चाहिए, ये तो हमारी पूंजी प्राथमिकता के सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यदि ये सोचें कि हमें मुनाफा विलासी वस्तुओं बनाने में है तो वहीं चली जाती है। जमीन पर लगा देते हैं तो आज मुंबई में 25 लाख में भी एक फ्लैट नहीं मिल सकती है आम जनता के लिए। फिर इसी प्रकार से ये जो पैसा है इसको ले जाते हैं थोक बाजार में और वहां सब्जी खरीद लेते हैं, तेल खरीद लेते हैं, शक्कर खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद करके वहां भंडार में रखते हैं और जब मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है और दाम बढ़ती है तब बाहर निकालते हैं। अगस्त में दाम कितनी बढ़ी है, थोड़ी कम हुई है, अब देखिए 3 महीने के बाद कितनी बढ़ती है। ये सब काला धन के कारण है। ये जमाखोर नहीं होगा तो दाम देश में बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हमारी राष्ट्र आय इतनी तेजी से बढ़ रही है, 7% 8% अभी भी 7% चल रही है, 9% 10% तक चले गए थे। जब पूर्ति उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो दाम को कम होना चाहिए। हम तो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, हम क्लास में पढ़ाते हैं कि पूर्ति बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगी तो दाम कम होगी, परंतु हिंदुस्तान का ने इकोनॉमिक्स को भी उल्टा कर दिया, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और दाम भी साथ ही साथ बढ़ते जाएंगे। आज देखिए इन्होंने क्या कहा है बजट में, बजट में कहा है कि जब इन्फ्लेशन जारी रहेगी, क्यों जारी रहेगी जब आप कहते हो कि हमारी प्रोडक्शन 8% में बढ़ेगी। इन्होंने टैक्स लगाई है, एक्साइज टैक्स कई चीजों में लगाई है, पैसे की कोई कमी है? सेठों को उन्होंने इतनी एग्जेम्पशन दी है, सेठ विदेश जाएगा तो उसका जो जाने 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 का खर्चा है उसमें उसको घटाना है, आमदनी से घटा करके टैक्स लगेगी। सेठ इतना बड़ा 10 घर बना दें, हर 10 का खर्चा उसको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। तो हमारे देशों के जो देश में जो लोग हैं, उन जो सेठ लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको 5.5 लाख करोड़ एग्जेम्पशन में जा रहा है। जिन लोगों को टैक्स भरना था नहीं देते हैं, वो भी 2.5 लाख करोड़ पड़ी है। उसी में आपको देखिए 8 लाख करोड़ मिलती है और घाटा हमारी बजट में 5 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ की घाटा को तो हमें ये जो एग्जेम्पशन दे रहे हैं हमने अमीर लोगों को उसको बंद कर दें, किसान को थोड़ा सब्सिडी देते हैं तो इतना हल्ला होती है, यहाँ तो एक प्रकार से इनको ही सब्सिडी मिल रही है। राजनीति में सत्ता के स्थानों पर बैठे प्रमुख लोगों का भ्रष्टाचार वही है गंगोत्री सफाई, वहां से होनी होगी, गंगा सागर से नहीं गंगा की सफाई होगी। इसलिए जब इस पर आप आएंगे तो आज के तकाजों का हमको याद रखना पड़ेगा। एक दलीय सीमा में रहने से काम नहीं चलेगा। मेरे एक वक्ता ने बताया, हमारे एक मित्र होते थे बहुत वरिष्ठ थे सिकंदर बख्त जी, वो कहते थे कि स्थिति बड़ी बेढ़ब है, भ्रष्टाचार पर चोट की बजाय मेरा चोर तेरा चोर, छोटा चोर बड़ा चोर, कन्वीनियंट चोर इनकन्वीनियंट चोर, इन बहसों में उलझाकर हम मुद्दे की तो ऐसी तैसी कर डालते हैं। आज उस सीमा से हमें उठना होगा, हमको वो याद रखना पड़ेगा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि को कि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं उसे छोड़िए, वैसा चाहे वो बहुत ही प्रमुख अपना स्नेही ही क्यों न हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, दुश्मन की तरह छोड़ दीजिए उसको, यद्यपि परम स्नेही। मित्रों,
भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई होनी है तो पूरी अपनी शक्ति, पूरी अपनी चेतना, पूरी अपनी एकाग्रता, पूरा अपना मन एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई पर केंद्रित होना पड़ेगा। मित्रों, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, अर्जुन वहां मछली की आंख भेदने के लिए खड़े हुए, आप कल्पना करिए अगर उनकी एक आंख द्रौपदी की ओर और एक आंख मछली की तरफ होती तो क्या मछली का भेद हो पाता। दोनों ही आंखें, पूरी चेतना, पूरी शक्ति मछली की आंख पर केंद्रित रहने के कारण ही मतभेद हो सका था, द्रौपदी का स्वयंवर पूरा हो पाया था। आज लोकतंत्र अगर लूटतंत्र में तब्दील हो गया है मित्रों, तो लोकतंत्र की रक्षा की तकाजा फिर से वैसा ही आज खड़ा हो गया है कि लूटतंत्र को समाप्त किए बगैर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई सरीखे तेवर, सरीखा जुझारू संकल्प आज के आंदोलनकारियों की पहली शर्त होगी। यह मैं आपके सामने विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक दलों में बहुत धार नहीं बची है मित्रों। उन पर क्रोध कम, तरस ज्यादा आता है मित्रों, उनकी बेबसी पर तरस आता है कई बार। सभी में अच्छे लोग भी कई बार वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चीरहरण के समय कौरवों के दरबार में विदुर हो कोई, कृपाचार्य हो कोई, द्रोणाचार्य हो कोई, धृतराष्ट्र हो कोई, विश्व पितामह ही क्यों न हो। इसलिए आज के वक्त का तकाजा उसी दरबार की याद यूं दिलाता है कि जब शरशैया पर पड़ गए थे भीष्म और पांडवों को सही शासन चलाने का उपदेश देने के लिए कृष्ण ने वहां लोगों को भेजा था, तो जैसे ही भीष्म कुछ अच्छी बातें बोलने लगे तो द्रौपदी पीछे खड़ी थी, उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, वो चीर कर पांडवों को सामने आ गई। कहे दादा, आज आप इतनी बात बोल रहे हो, उस समय तुम्हारा यही बुद्धि बल कहां चला गया था, तुम्हारे तो हाथों में वो बल था, चाहते तो अबला की इज्जत की रक्षा तुम कर सकते थे, पांडवों कौरवों दोनों का संहार कर सकते थे, पर तुम चुप क्यों हो गए थे। कम से कम विदुर ने इतना तो किया था, ये अन्याय हो रहा है कहकर सभा का बहिष्कार तो किया था, आप तो नजरें झुकाकर बैठे रहे थे कसमसाते हुए। मित्रों, ऐसे कई लोगों की मनस्थिति जब देखता हूं तब समझ में फिर से आता है, क्या वही महाभारत की उक्ति अर्थस्य पुरुषो दासः, क्या यही उक्ति चरितार्थ हो रही है। मित्रों, तब भीष्म ने उत्तर दिया था कि द्रौपदी तो ठीक कहती है, तेरा गुस्सा तो ठीक है, लेकिन सुन, पहले भी तुम लोग इंद्रप्रस्थ में सत्ता में आए थे, उस समय में क्या मैंने तुम लोगों को उपदेश दिया, क्या कृष्ण ने तुमको हमारे पास भेजा, नहीं भेजा। आज इसलिए भेजा है कि शरशैया पर लेटा हुआ मैं इतने महीनों तक, अब ये तय हो गया मेरे शरीर से वो सारा दूषित रक्त बाहर चला गया है, मेरी बुद्धि फिर से साफ हो गई है, तब कृष्ण ने तुम लोगों को फिर से सुशासन का मंत्र लेने के लिए भेजा है। मित्रों, किसी को भी ऐसे शरशैया पर लेटने की जरूरत ना पड़े, ये मेरी ख्वाहिश है जरूर, लेकिन इस महाभारत में, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के महाभारत में हमको मेरे तेरे का भेद भूलना होगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है सभी से। दूसरी बात, सभी दल एक से दिखने लगे हैं, राजनैतिक उपकरण की बजाय गिरोह से दिखने लगे हैं, सत्ता और विपक्ष का भेद खत्म सा होता दिखता है, स्थितियां राजनीति की ऐसी दिखती है जैसे फुटबॉल के मैदान में 11 खिलाड़ी उधर 11 खिलाड़ी इधर आपस में खेले तब तो खेल बनता है, मगर जब
ये 11 खिलाड़ी भी दूसरी तरफ के 11 से ही मिल जाएं, 22 खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में जनता के खिलाफ गोल दागने लगे, तब तो दर्शक दीर्घा में से ही उतरकर नई टीम बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ये मुझे फिर से आपको चेताना है, ये मेरा विनम्र निवेदन और है। ये तो दिखता ही है ना, कौन किसके साथ कब मिल जाता है, कौन किससे कब अलग हो जाता है, ये तो महज सत्ता स्वार्थ से निर्धारित होता है। कोई सिद्धांत, कोई नीति और कोई मुद्दों के कारण तो दलों के बीच के रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में मेरा निवेदन है, नया ढांचा, नए तरीके, नए औजार, नए लड़ाके, यही आगे के वक्त की जरूरत पड़ेंगे। उसी में धारदार लड़ाई हो पाएगी, क्योंकि आज थैली शाह, नौकर शाह और राजनेता हाथ मिला बैठे हैं और इनका ही त्रिकुट उस वामन के कमंडलू में आकर बैठ गया है, जो राजा बलि के दान की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दे रहा है। विकास की धारा अंतिम आदमी तक पहुंचे, इसमें अड़चन अगर है तो राजनेता नौकर शाह और थैली शाहों का ये नापाक गठबंधन उस वामन के कमंडलों जिससे जल निकलना था उसके मुहाने पर बैठ गया है। मित्रों, इसलिए विकास की धारा कुछ लोगों तक रहती है। लोकतंत्र ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होने की बजाय ऑफ द कॉर्पोरेट्स, बाय द कॉर्पोरेट्स, फॉर द कॉर्पोरेट्स की बदशक्ल, एक बदनुमा शक्ल बन गया है। मित्रों, ऐसे में वामन ने तरीका निकाला था दान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। उसने जब इधर उधर देखा कि ऐसा पानी क्यों नहीं गिर रहा है कमंडलू से, तब देखा कि दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो गायब हैं। फिर थोड़ा ध्यान लगाकर देखा, तब समझ में आया कि शुक्राचार्य तो कमंडलू के मुहाने पर बैठे हैं, पानी नहीं आने देने के लिए रोक कर रखे हैं। तब वामन ने अपने आसन के कुशा की घास को निकाला, उस सीख से उसने कमंडलू के मुंह को फेंका, शुक्राचार्य की आंख में वो सीख लगी, दर्द से बिलबिलाकर बाहर गिरे। तब जल प्रवाह शुरू हुआ, तब दान की प्रक्रिया पूरी हुई, तब तीनों पांव तीन कदम से पूरी दुनिया को नाप लिया वामन ने। वामन जनता जनार्दन का ही प्रतीक है। आज के वक्त का यही तकाजा है मित्रों, थैली शाह, नौकर शाह और राजनेता के नापाक गठबंधन जो कमंडलों के मुहाने पर बैठा है, उसको एक निश्चित विचारधारा के अधिष्ठान पर पैना किए हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई की सीख से ही भेदा जा सकेगा। बिना विचार के, बिना धरातल के लड़ाई संभव नहीं है। पैर जमीन पर टिका रहे, वही है विचारधारा का अधिष्ठान। इस दिशा में जब हम सोचे तो उस नए ढांचे, नए तरीके, नए औजार, नए लड़ाके के लिए ध्यान हमको देना पड़ेगा कि विकेंद्रित विकास, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, प्रकृति केंद्रित समझ, यही अधिष्ठान होगा जिसके तहत भारत परस्त, गरीब परस्त नीतियां गढ़ी जाए। आज सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियां विदेश परस्त है और अमीर परस्त हो गई है। देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा मकान की जहां तुरंत जरूरत है, जो कि सिर पर छह नहीं है, वहां हमारे देश का एक बड़ा उद्योगपति 7,000 करोड़ रुपए की लागत का अपने रिहाइश के लिए एक मकान बनाने की हिमाकत करता है। मित्रों, हमारे देश की गरीब परिस्थिति नीतियों का तकाजा ये है कि विकास की परिभाषा को हम बदलें। विकास की परिभाषा चौड़ी चमचमाती सड़कें, उस पर दौड़ती तेज कारें, उसमें बैठे लिपे पुते चेहरे और खिड़की से झांकते कुत्ते, ये भारत की समृद्धि और विकास का परिचय नहीं हो सकते। हम जनता के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या हमारे देश में बच्चों के 5 साल से कम बच्चों का कुपोषण खत्म हुआ? 70% गर्भवती महिलाएं खून की कमी और उससे उत्पन्न बीमारियों की शिकार हैं। क्या हमारे लिए ये बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़ा अपमान का कलंक नहीं है?
क्या आज भी 77% आबादी 20 रुपए से कम की रोज की आबाद रोज के आमदनी में गुजर बसर करने को मजबूर है? क्या ये विकास के सामने चुनौती नहीं है? 125,000 गांव पीने के पानी के से तरस रहे हैं, क्या हमारे लिए ये चुनौती नहीं है? देश के 90,00,000 अंधे, देश के 45,00,000 अपाहिज, देश के 26,00,000 कोढ़ी, क्या हमारे विकास के लिए चुनौती नहीं है? किसे कहेंगे विकास? इसलिए भारत परस्त गरीब परस्त नीतियों की जरूरत पड़ेगी, और राष्ट्रवाद का अधिष्ठान जब आध्यात्मिक होगा तो किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का, सब में एक ही परमात्मा का वास है, इसलिए सभी इंसान हैं, केवल वोट नहीं है। वोट के नाते सोचकर उनको लुभाकर बाद में कचरे में फेंक देने की नीयत तब हमारी नहीं रहेगी। सभी जाति क्षेत्र में लगेगा, सबके खून का रंग लाल है, सबकी भूख एक तरह की होती है, कोई बेरोजगार किसी भी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का होगा, जब शाम को नौकरी की तलाश में भटककर असफल होकर अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी की, उसकी बहन की, उसकी माँ की सूनी निराश आंखों का जब उसकी आंखें टकराती हैं, तब जो बेबसी है वो किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए अलग अलग नहीं हुआ करते मित्रों। इसलिए हर एक को ईमान की रोटी और इज्जत की जिंदगी मयस्सर हो, इससे बड़ा एजेंडा ही भला क्या हो सकता है देश का। ऐसी स्थिति में मैं यही चाहूंगा मित्रों, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं, अच्छी शुरुआत हुई है। एक ही बात ध्यान रखें कि व्यक्ति से बड़ा दल, लेकिन दल से बड़ा देश। आज उल्टी सी स्थिति दिखती है, देश हित की तुलना में दल हित ज्यादा बड़ा और दल हित की तुलना में मेरा अपना हित ज्यादा बड़ा। इसको समीकरण को ठीक करना है मित्रों, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। और दूसरा एक विषय है कि देश बचेगा तो मिटेगा कौन, देश मिटेगा तो बचेगा कौन। मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाकर इसको अपने सही परिणामों तक ले जाएगी और देश की जनता को भी एक दिशा देगी। इस विषय में मंच पर बैठे नेतृत्व को मैं सलाम करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।